हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आपका क्लास 3 का चैप्टर नंबर 1 कॉमन नाउंस, आपके ग्रामर ड्राफ्ट बुक का जो ये पहला चैप्टर है। तो पहले से ही आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे तो ग्रामर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो आप ध्यान से सुनिए कॉमन नाउंस क्या है। अब कॉमन नाउंस पढ़ने से पहले हम समझेंगे नाउंस किसे कहते हैं। अब हिंदी व्याकरण में आपने पढ़ा होगा संज्ञा, ठीक है, वैसे ही इंग्लिश ग्रामर में संज्ञा को हम नाउंस कहते हैं। ओके, अब नाउंस जो है ना बच्चों, दे आर यूज टू नेम एनी प्लेस एनिमल और थिंग। किसी भी इंसान का नाम या किसी भी प्लेस का नाम या किसी भी वस्तु का नाम या किसी भी एनिमल का नाम को हम नाउंस बोलते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम नाउंस के बारे में पढ़ेंगे एंड हम कॉमन नाउंस जो है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे कैसे, एंड यूसेज, यूसेज मतलब उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे सेंटेंसेस में, ये पढ़ेंगे। अब नाउंस जो है ना बच्चों, वो दो तरह के होते हैं, एक है कॉमन नाउंस और दूसरा है प्रॉपर नाउंस, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो है हम पहले पढ़ेंगे कॉमन नाउंस किसे कहते हैं। आपका चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें डिटेल में पढ़ेंगे प्रॉपर नाउंस। सो कमिंग टू योर चैप्टर, ऑब्जर्व द हाइलाइटेड वर्ड्स इन द पोएम। यहाँ पर एक पोएम दिया गया है और कुछ वर्ड्स या शब्द जो है हाइलाइटेड है, तो आइए पढ़ते हैं पोएम को। पॉक्यूपाइन पॉर्क्यूपाइन, यू सीम टू बी डूइंग फाइन। Let's go out for some fun under the clear sky and the bright sun. अब ये देखिए यहाँ पर तीन एनिमल्स है और इनके जो बैक पे ना देखिए ये है पॉर्क्यूपाइंस। पॉर्क्यूपाइंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनके बैक पे जो है ना बहुत वेरी शार्प हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर देयर व्हिच विल पिंच यू। ओके, जो बहुत चुभते हैं तो इनको बोलते हैं पॉर्क्यूपाइंस। आप पॉर्क्यूपाइन का पिक्चर मोबाइल में देख सकते हैं, पॉर्क्यूपाइन एक्चुअली कैसे दिखता है। सो ये जो पोएम है ये पॉर्क्यूपाइंस के बारे में है एंड इट इज सेइंग पॉर्क्यूपाइन पॉर्क्यूपाइन, यू सीम टू बी डूइंग फाइन, लेट्स गो आउट फॉर सम फन अंडर द क्लियर स्काई एंड द ब्राइट सन। वी ईट जैम एंड ब्रेड ऑन द ग्रीन ग्रास, वी विल स्प्रेड अ शीट और अ मैट, रिलैक्स स्लीप एंड गेट अ बिग फैट। तो ये जो पोएम है इसमें देखिए जो वर्ड्स है हाइलाइटेड या जो कलर किए गए हैं वो है स्काई, सन, जैम, ब्रेड, ग्रास, शीट एंड मैट। ये जो ईट है ना ये गलत है, ईट इज अ वर्ब, इट इज नॉट अ नाउन। सो जैम को एक्चुअली उनको हाईलाइट करना था लेकिन उन्होंने गलती से ईट को हाईलाइट किया। सो द हाइलाइटेड वर्ड्स आर स्काई, सन, जैम, ब्रेड, ग्रास, शीट एंड मैट। अब ये सब वर्ड्स क्यों हाइलाइटेड है ये हम पढ़ेंगे आगे। ये जो हाइलाइटेड वर्ड्स है इन्हें हम समझते हैं नाउंस, ठीक है। तो नाउंस आर नेमिंग वर्ड्स। नाउंस क्या है, नेमिंग वर्ड्स है जो कि हम यूज करते हैं फॉर पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स, बर्ड्स एंड थिंग्स। सो नाउंस आर नेमिंग वर्ड्स जो हम इंसानों के लिए, जगह के लिए, पशु पक्षियों के लिए और वस्तुओं के लिए यूज करते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है आपका पॉक्यूपाइन, माउस, लायन, टाइगर। ये सब क्या वर्ड्स है, ये सब एनिमल्स के नाम है। सो ये जो है सारे एनिमल्स के वर्ड्स है। सेकेंड वाला देखेंगे, पेलिकन, बुलबुल, क्रो एक्सेट्रा आर वर्ड्स फॉर बर्ड्स। सो ये जो तीन है पेलिकन, बुलबुल एंड क्रो, ये क्या है, ये कुछ पक्षियों के नाम है। थर्ड वाला देखेंगे, माउंट एवरेस्ट, स्कूल, हॉस्पिटल, रूम एक्सेट्रा, ये कुछ जगहों के नाम है, दीज आर वर्ड्स फॉर प्लेसेस। फोर्थ वाला देखेंगे, टीचर, फादर, स्टूडेंट एक्सेट्रा आर वर्ड्स फॉर पीपल, ये कुछ लोगों के नाम है, ठीक है। अब फिफ्थ वाला देखेंगे, टोस्ट, टोमेटोज, कैरेट्स, पेंसिल एक्सेट्रा आर वर्ड्स फॉर थिंग्स, ये कुछ वस्तुओं के नाम है। सो इन सब चीजों से हमें क्या पता चलता है कि कुछ
पशुओं के नाम, कुछ पक्षियों के नाम, कुछ जगहों के नाम, कुछ लोगों के नाम और कुछ वस्तुओं के नाम को हम संज्ञा समझते हैं या नाम समझते हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स आपको मैं एक होमवर्क देती हूँ। ये सारे जो नेम्स है ना, आप इनका स्पेलिंग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी आप क्लास 3 में हैं, अभी से आपका इंग्लिश बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है, उसका सिलेबस। सो आपकी तरफ से एफर्ट होना चाहिए कि आप जितना खुद सीख सकते हैं। आपका ये जो ग्रामर ड्राफ्ट टेक्स्ट बुक है ये बहुत अच्छा है, बट आपके तरफ से आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट भी डालना है। तो आप क्या करेंगे, ये वीडियो देखने के बाद एक पेपर में ये सारे स्पेलिंग्स जो आपको नहीं याद है वो लिखेंगे। 2-3 बार लिखिए या याद आने तक 5 बार तक लिखिए, ताकि आपका वोकैबुलरी जो है ना, इंग्लिश का जो लिटरेचर का वर्ड्स है, ग्रामर में जो यूज होता है, वो सब आपको इजीली समझ में आता जाएगा जैसे आपका क्लास बढ़ता जाएगा, ठीक है। आप जस्ट अभी क्लास 2 से क्लास 3 में आए हैं, तो आपको खुद की तरफ से बहुत मेहनत करना पड़ेगा इंग्लिश अच्छे से सीखने के लिए। तो पहला चीज आप क्या करेंगे, स्पेलिंग्स पे ध्यान देंगे। तो ये सारे स्पेलिंग्स आप लिखना, ठीक है। अब नेक्स्ट वी विल रीड, कॉमन नाउन्स क्या है। कॉमन नाउन्स आर द नेम्स फॉर दे आर द जनरल नेम्स। आप ध्यान देंगे वर्ड जनरल पे, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं है। कॉमन नाउन्स आर द जनरल नेम्स, मतलब किसी का भी नाम हो सकता है वो, फॉर विच आर यूज फॉर थिंग्स, पीपल, एनिमल्स और प्लेसेस। एग्जाम्पल देखेंगे, जनरल नेम ऑफ एनी डे, या फिर कोई भी लड़का, या फिर कोई भी कंट्री, या फिर कोई भी बुक। सो द जनरल नेम्स आर नॉन स्पेसिफिक। नाउ जनरल नेम मीन्स दीज नेम्स आर नॉट स्पेसिफिक, दे मे बी द नेम ऑफ एनी डे, जो कि हम नहीं जानते हैं कौन सा डे है। कोई भी लड़का, हम उस लड़के का नाम नहीं जानते। कोई भी कंट्री, हम उस कंट्री का नाम नहीं जानते। कोई भी बुक, हम उस बुक या पुस्तक का नाम नहीं जानते, ठीक है। सो ये जनरल नेम्स फॉर थिंग्स, पीपल, एनिमल्स या प्लेसेस है, ठीक है। अगर मैं मुझे बुक का नाम पता होता कि द नेम ऑफ दिस बुक इज ग्रामर ट्रफ, तो ये ग्रामर ट्रफ बुक जो है वो आपका प्रॉपर नाउन है, क्योंकि हमें बुक का नाम पता है, ठीक है। अब वर्कशीट 1 करते हैं। गिवन बिलो आर सम कॉमन नाउन्स, आपको एक कॉलम में कुछ कॉमन नाउन्स दिए गए हैं, हमें उनको सॉर्ट करना है एंड प्लेस देम अंडर द करेक्ट हेडिंग। सॉर्ट मतलब हमें उनका देखना है कि वो क्या वो पीपल के नीचे आते हैं, या प्लेसेस के नीचे आते हैं, थिंग्स के नीचे आते हैं, या एनिमल्स के नीचे आते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से पहले हम सॉर्ट करेंगे और फिर उसको अपने रेस्पेक्टिव जगहों पे लिखेंगे। तो मैंने नंबरिंग कर दिया है इन 8ों का। अब आप देखेंगे, पहला चीज लाइब्रेरी। लाइब्रेरी इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, तो कहां पर आएगा बच्चों, प्लेसेस के नीचे आएगा, ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे लाइब्रेरी। सेकंड जो है टाइगर, टाइगर इज अ एनिमल, तो इसको हम लिखेंगे एनिमल्स के नीचे। थर्ड जो है आर्टिस्ट, आर्टिस्ट कौन है, चित्रकार, ठीक है। सो इट कम्स अंडर पीपल, जो इंसान चित्र बनाता है उसे हम आर्टिस्ट कहते हैं। सो दिस विल कम अंडर पीपल, आर्टिस्ट। फोर्थ इज मदर, मदर इज ऑल्सो अ पर्सन, तो इट विल कम अंडर पीपल। फिर आएगा पांचवा हमारा बल्ब। बल्ब क्या है, एक चीज है, वस्तु है, थिंग है। सो इट विल कम अंडर थिंग्स। सिक्स्थ इज योर पेन, पेन भी एक चीज है, वस्तु है। सो इट विल कम अंडर थिंग्स। नंबर 7 टेम्पल, टेम्पल एक जगह का नाम है। सो इट विल कम अंडर प्लेसेस। 8th जो है कैटरपिलर है, कैटरपिलर क्या है, एक एनिमल है, इंसेक्ट है या जो भी है, ठीक है। इट विल कम अंडर एनिमल्स। नेक्स्ट वर्कशीट 2 करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल कॉमन नाउन्स। अब इसमें देखिए बच्चों, आप अपने हिसाब से इसको भर सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन नाउन्स है, तो ये जरूरी नहीं है कि मैंने जो आंसर लिखा है आपको वही लिखना है। बट मैं एग्जाम्पल के लिए आपको कुछ आंसर्स दी हूँ यहाँ पे, आप अपने आंसर्स भी लिख सकते हैं। जैसे अर्जुन लाइक्स टू प्ले
मैंने लिखा है फुटबॉल, आप क्रिकेट, हॉकी, कुछ भी लिख सकते हैं। टू, शीलास फेवरेट फ्रूट्स आर डैश एंड डैश, मैंने लिखा है मैंगो एंड एप्पल, आप कोई भी दो फ्रूट्स लिख सकते हैं क्योंकि ये कॉमन नाउन्स की बात कर रहे हैं हम। थर्ड, डैश कलेक्ट हनी फ्रॉम बी हाइव, सो पीपल कलेक्ट हनी फ्रॉम द बी हाइव। ओके। फोर्थ, इंडिया इज अ लार्ज कंट्री, द हेयर इज अ स्विफ्ट एनिमल। सिक्स, द लोटस इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर, आप रोज लिख सकते हैं या फिर मैरीगोल्ड लिख सकते हैं, लिली लिख सकते हैं, कोई भी फ्लावर का नाम लिख सकते हैं। सेवन, डैश फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, तो यहां पर आप कोई भी अपने हिसाब से कॉमन नाउन सोच के लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज वर्कशीट थ्री करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम ऑली द ऑक्टोपस एंड आई वांट यू टू अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनमें हमें कॉमन नाउन्स ढूंढ के उनको अंडरलाइन करना है। सो पहला वाला है, देयर इज अ लिटिल बर्ड इन द गार्डन। तो हम कॉमन नाउन से क्या समझते हैं, एनी नेम प्लेस एनिमल थिंग इज द कॉमन नाउन। सो यहाँ पर देखेंगे, देयर इज अ लिटिल तो कुछ भी नहीं है, बर्ड इज अ नेम ऑफ अ बर्ड। ठीक है, सो ये बर्ड हमारा पहला कॉमन नाउन हुआ। इन द गार्डन, जगह, सो गार्डन इज अ प्लेस, सो बर्ड एंड गार्डन को आप अंडरलाइन करेंगे। माई ग्रैंड मदर रीड्स आउट स्टोरीज टू मी, कोई भी पर्सन, तो ग्रैंड मदर पर्सन हुई, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। रीड्स आउट स्टोरीज टू मी, ठीक है, मुझे कुछ कहानियां सुनाती है, सो स्टोरीज इज ऑल्सो योर कॉमन नाउन। द पॉरिज वॉज हॉट सो द बेयर डिंट ईट इट, ठीक है, पॉरिज चीज है, वस्तु है खाने की, तो पॉरिज को अंडरलाइन करेंगे। वॉज हॉट सो द बेयर, बेयर एनिमल का नाम है, सो बेयर इज ऑल्सो योर कॉमन नाउन। The doorbell is ringing. Doorbell एक चीज है, so doorbell को underline करेंगे। Fifth, who is your teacher? Teacher is your common noun. I want to become an astronaut. Astronaut is your common noun. My parents are doctors. तो यहाँ पर दो common nouns है आपके, parents and doctors. ठीक है, तो इस तरह से आप अंडरलाइन करेंगे कॉमन नाउन्स। नेक्स्ट वी विल डू हॉट्स एंड बीबीक्यूज। यू सी अ बॉय ट्राइंग टू हिट अ स्ट्रे डॉग विद अ स्टिक। आप एक लड़के को एक जंगली कुत्ता जो कि रास्ते पे घूमता है एक लकड़ी के साथ मारते हुए देखते हैं, क्या करेंगे आप? विल यू ज्वाइन द बॉय टू चेज द डॉग विथ हिम एंड हैव फन, क्या आप उस लड़के के साथ मिलकर उस कुत्ते को भगाएंगे और मस्ती करेंगे, या बी आप उस बच्चे को, यू विल मेक द बॉय अंडरस्टैंड दैट ही शुड नॉट हर्ट एनी एनिमल्स। तो इसका आंसर होगा बी, आई विल मेक द बॉय अंडरस्टैंड दैट ही शुड नॉट हर्ट एनी एनिमल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ ग्रामर क्राफ्ट कॉमन नाउन्स। नेक्स्ट चैप्टर में हम आपका प्रॉपर नाउन्स पढ़ेंगे। ओके, सो आपका होमवर्क क्या रहा इस चैप्टर के लिए, आप जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके स्पेलिंग सीखेंगे, ठीक है। और अगर आपको किसी शब्द की मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है बच्चों, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको उसको मीनिंग जरूर बताऊंगी, ठीक है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जो है नोटिफिकेशन बटन है उसको ऑन रखिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब डालूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आप, और आप उससे पढ़ सकते हैं। सो काइंडली सब्सक्राइब, थैंक यू।